मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज दूत। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति अब बाबाओं के भरोसे चुनावी बैतरणी पार करने में सहायक होगी, यह समय बताएगा। लेकिन महाकौशल के छिंदवाड़ा जिला इन दिनों राममय हो गया है। सांसद कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ ने बाबा धीरेंद्र शास्त्री की कथा आयोजित कर एक संदेश तो दे दिया है कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में राम का सहारा कांग्रेस भी ले रही है। इससे दो स्थितियां बनने की संभावना है कि भाजपा के हिंदुत्व का कार्ड क्या कांग्रेस भाजपा से छीनना चाहती है। यदि हम बीते कर्नाटका चुनाव की ओर चले जाएं, तो वहां देखते हैं कि वहां बजरंगबली का सहारा लिया गया था। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री बजरंगबली के नाम से वोट मांगते दिखे थे। तो क्या वास्तव में आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी राम के सहारे चुनावी राजनीति की जाएगी? वैसे तो भाजपा भी बाबा धीरेंद्र शास्त्री की कथा महाकौशल के जबलपुर इलाके में करवा चुकी है। तो क्या वास्तव में कमलनाथ उसी का तोड़ अब महाकौशल के छिंदवाड़ा में कराकर खोज रहे हैं? बहरहाल यह तो तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिलचस्प चरण चल रहे हैं, जिसमें अब लोग राम का भी सहारा ले रहे हैं और राम के सहारे तो वास्तव में सभी हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।